Hey guys, my name is Sultan. My name is Malaika. और आप देख रहे हैं Me versus You official. जी हाँ, बिल्कुल ठीक आपने thumbnail देखा है. Mega episode आप लोगों के लिए ले आए हैं हम दोबारा से. Mega episode जैसा मैंने आज जो है वो आप लोगों को बताया भी था post लगा के कि आज ही आप लोगों के लिए mega episode हम लेकर आएंगे. और बिल्कुल जी, मैं वेट नहीं करवाना चाहता था अपने BTS फैंस को. अनगिनत लिंक्स आज भी मेरे पास, इतने अनगिनत लिंक्स आए हैं इंस्टाग्राम पे कमेंट में. मैं बहुत ज़्यादा जो है ना, आज मैंने आज स्पेशल अपनी YouTube फैमिली के लिए टाइम निकाला. आज जो है वो मेगा एपिसोड जो है वो सुबह तक कोई हमारा प्लान नहीं था मेगा एपिसोड का, लेकिन अचानक जब मैंने कॉमेंट रीड करना शुरू किए, आई थिंक के 2 या 3 बजे के करीब आज मैंने जब कमेंट रीड करना शुरू किए और मेरा बड़ा दिल खुश हुआ. सोचा कि आज मेगा बनाना, मैंने सोचा कि आज जो है वो कुछ भी हो जाए, आज मेगा एपिसोड में आप लोगों के लिए टाइम निकाल के लाजमी लेकर आऊंगा. जबकि मेगा एपिसोड इतना आसान काम नहीं होता, एक ही वीडियो में आपको 2 रिएक्शन जो है वो देखने को तो मिलते हैं आप लोगों को, क्योंकि आप लोग देखते हैं, इंजॉय करते हैं, लेकिन मेगा एपिसोड बनाना इसके लिए कम से कम 1 घंटा से हमें जो है वो शूट करने के लिए चाहिए होता है. फिर उसके बाद जब ये एडिटिंग पे जाती है वीडियो, तो एडिटिंग में कम से कम आई थिंक कोई 45 मिनट्स, 1 आवर 45 मिनट्स लगते हैं एडिटिंग में. फिर आप लोगों के लिए ऑन एयर भी करनी होती है वो वीडियो. तो मेरी कोशिश ये होती है कि यहाँ रिकॉर्ड हो वीडियो और यहाँ पर वो वीडियो ऑन एयर हो जाए, लेकिन हमारी पूरी कोशिश होती है, कोशिश तो बहुत होती है हमारी, आप लोगों के लिए वीडियो जो है वो जल्द से जल्द ऑन एयर हो. लेकिन कुछ वजूहत ऐसी होती हैं जिसकी वजह से ऑन टाइम ऑन एयर नहीं हो पाती वीडियो. लेकिन आप लोगों के लिए, आप लोगों को देखें, आई थिंक 24 घंटे भी पूरे नहीं होते, 24 घंटे भी मेरे ख्याल से पूरे नहीं होते, और आप लोगों के लिए जो है वो वीडियो आ जाती है. 1 दिन में 2 वीडियोस आप लोगों के लिए आ रही है. मैं 24 घंटे भी पूरे नहीं होते, अगर आप टाइम देखें तो 24 घंटे भी पूरे नहीं होते. भले और आपको आपको 1 बजे मिले, 2 बजे मिले, 3 बजे मिले, लेकिन वो आपके लिए ऑन एयर हो जाती है. और जो BTS फैंस हैं वो तो हर वक्त इंतजार में रहते हैं कि कब वीडियो ऑन एयर हो और वो व्यूज़ और लाइक्स और कमेंट आना शुरू हो जाए. तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि व्यूवर्स जो यूट्यूब फैमिली है वो जो देख रहे हैं वो कॉमेंट करके लाजमी बता रहे हैं कि BTS के बारे में बता रहे हैं, BTS क्या है वो बता रहे हैं, और नेम मेंशन करते हैं. और जाहिर सी बात है बहुत खुश हो रहा है, खुश हो रहा है फैमिली जो है वो खुश हो रही है, और मुझे बहुत खुशी हो रही है. इस वजह से मैं आप लोगों के लिए मेगा एपिसोड लेकर आया हूं, जिसमें आपको एक ही एपिसोड में 2 BTS की परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएंगी. तो ये आप लोगों के लिए एक ही एपिसोड में डबल मजा है. तो आप लोग देखें, इंजॉय कीजिए. भाई मैं तो बहुत ज़्यादा जो है वो एक्साइटेड हूँ कि एक मेगा एपिसोड में आप लोगों के लिए 2 वीडियोस वो भी BTS की. पहले मैंने सोचा कि मैं अपने जो बॉलीवुड फैंस हैं उनको भी जो है वो नहीं करता, नहीं चलो एक काम करते हैं मेगा एपिसोड बनाते हैं, उसमें 1 BTS की हो जाएगी और 1 बॉलीवुड हो जाएगी, लेकिन एपिसोड 1 होगी. लेकिन फिर मैंने बोला नहीं यार, ऐसा नहीं करते, पहले ऐसा नहीं करते, हम बॉलीवुड अलग बनाएंगे और BTS की मेगा एपिसोड अलग बनाएंगे. बॉलीवुड की भी मेगा एपिसोड हम पहले बना चुके हैं सल्लू भाई की, और आगे भी मजीद अगर हमें काम मिला बॉलीवुड में तो हम उसकी मेगा एपिसोड बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे. तो टाइम बिना वेस्ट किए हुए चलते हैं अपनी सबसे पहली BTS की परफॉर्मेंस की तरफ. जो सब्सक्राइबर जिनकी तरफ से ये रिकमेंडेशन हुई है तो उनके भी मैं स्क्रीनशॉट मेंशन कर दूंगा. नेम मुझे याद नहीं है सॉरी, लेकिन मैं स्क्रीनशॉट मेंशन कर दूंगा, मेरे पास है स्क्रीनशॉट. तो बिल्कुल जी, तो अपनी पहली वीडियो की तरफ चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए. वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो देखने के बाद आपने लाजमी कमेंट करके बताना है कि आपको ये मेगा एपिसोड कैसा लगा. और वीडियो हम लाजमी पूरी देखनी, वीडियो आपने पूरी देखनी है एंड से लेकर आखिर तक, ताकि हमें शुरू से लेकर आखिर तक, ताकि हमें पता चले कि हमारी फैमिली हमें कितनी इम्पोर्टेंस दे रही है. तो चलते हैं अपनी पहली वीडियो की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए. ये दोनों वीडियो आपके लिए सरप्राइज है, आप लोग जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आज हम किन किन वीडियोज पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, और जिनकी तरफ से रिकमेंडेशन है उनको तो पता ही चल जाएगी. फिर चलें जी भाई, हेड्स ऑफ. ये थीम ही कुछ अलग थी, बहुत अलग थी. आज जो मैंने ये सॉन्ग देखा है इसकी परफॉर्मेंस ही कुछ अलग थी.
जबकि थी ये परफॉर्मेंस, लेकिन एक अलग ही उनका पैटर्न था, जैसे कोक स्टूडियो टाइप में हमें पैटर्न देखने को मिल जाता है, ये कुछ अलग अपना पैटर्न था। मुझे बहुत ज्यादा बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। नहीं, BTS ने हर दफा हमें शॉक किया, जब जब हमने BTS की वीडियोस पे रिएक्शन दिया तो BTS ने हमें शॉक किया है, परफॉर्मेंस हो, सिंगिंग हो, BTS की डांस मूव्स हो, सबको लेके BTS ने हमें जो है वो हर दफा शॉक किया है। लेकिन जब जब हम इनकी वीडियोस देखते हैं तो हमें कुछ ना कुछ न्यू देखने को मिलता है, कुछ ना कुछ न्यू देखने को मिलता है। आपका आप ड्रेसिंग ले लें, आप ड्रेसिंग ले लें भाई, ये इनके जो वो है क्या क्या कहेंगे हमें, हेयर स्टाइल वगैरह, जो इनके मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, हमें अलग ही, मतलब ये अलग ही इनकी दुनिया है, रिएक्शन हर वीडियो में मतलब अलग ही। BTS की जो है वो एक अलग ही दुनिया है। एक सब्सक्राइबर ने मुझे बताया, हमने ये उनसे पूछा था कि ये BTS आर्मी क्यों कहा जाता, तो उन्होंने बकायदा कमेंट करके बताया कि BTS आर्मी जो है, ये आर्मी वो लोग हैं जो कॉन्सर्ट्स देखने आते हैं, जो इनके BTS की जो अपना जेंटली है उनको आर्मी कहा जाता है। तो वो जैसे अब हम लोग फैन हो गए BTS के, तो हम भी इनकी आर्मी में शामिल हो गए, तो उनको जो है वो BTS आर्मी कहा जाता है। तो जाहिर सी बात है हमें नहीं पता था, आप लोगों ने बताया हमें, हम ये समझ रहे थे कि जो BTS की टीम है उनको BTS आर्मी कहा जाता है। तो ये हाँ, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा हमें शॉकिंग लगी और बहुत ज़्यादा जो है वो कुछ न्यू डिफरेंट देखने को मिला, सिस्टमेटिक इसमें बहुत कुछ देखने को मिला। इसमें मैंने अभी तक BTS की वीडियोस में ऐसा सिस्टमेटिक जो है वो परफॉर्मेंस नहीं देखा कि उसमें कीबोर्ड भी यूज़ हुआ है, कीबोर्ड भी इसमें यूज हुआ है और सिस्टमेटिक कीबोर्ड भी यूज हुआ है और सिस्टमेटिक थीम्स होती हैं जो कीबोर्ड्स में, हाँ वो इसमें यूज होती है। तो ये बहुत ज़्यादा हमें डिफरेंट लगी। तो अब हम चलते हैं अपनी दूसरी वीडियो की तरफ, जो भी BTS की होने वाली है, वहाँ देखते हैं, वहाँ देखते हैं उसमें क्या डिफरेंस है, क्योंकि ये जिन्होंने हमें रिकमेंड की है ये सब्सक्राइबर दूसरे हैं और वो दूसरी वीडियो जिन्होंने रिकमेंड की है वो सब्सक्राइबर दूसरे हैं। तो चलते हैं अपनी दूसरी वीडियो की तरफ। चले जी, 1 2 3 Baby, girl, you're so
ये वाली परफॉर्मेंस तो जो पहली परफॉर्मेंस थी, मुझे जो है वो अगर इन दोनों में कंपेयर किया जाए तो ये वाली जो परफॉर्मेंस हमने जो लास्ट में देखी, ये बड़ी मैजिकल परफॉर्मेंस। इसमें शुरू में ही मैं शॉक हो गया था, उसमें मैं जो है वो अपना सिस्टमेटिक जो है वो देखते शॉक हो गया था। इसमें जो उन्होंने थीम शुरू में फॉरहेड ही नहीं था, और वो उन्होंने क्या मैजिक करके वो हाथ का एक ही बंदा जो है वो दो परफॉर्मेंस दे रहा था स्टेज के ऊपर, जो इनका बीटीएस का मेंबर है, तो मैं वही देख के शॉक हो गया था कि यार कि मतलब मैजिक भी जानते हैं लोग तो। और हमें शॉक कर दिया मैजिक जब हमने देखा, तो हम शॉक हो गए कि जो लोग वहाँ लाइव परफॉर्मेंस देख रहे थे तो उनका क्या रिएक्शन होगा। तो बहुत ज्यादा दोनों वीडियो शॉकिंग लगी है मुझे, और जिन सब्सक्राइबर की तरफ से ये रिकमेंडेशन की उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने लिंक प्रोवाइड किए, और ऐसी ऐसी वीडियोस हमें बीटीएस की देखने को मिल रही हैं, और दिल खुश होता है जी कि आप लोग ये वो इतनी मेहनत से लिंक प्रोवाइड करते हैं। आप लोग बताएं कि आप लोगों को मेगा एपिसोड कैसी लगी, कि मैं नहीं चाहता था कि मेरे सब्सक्राइबर का यूट्यूब फैमिली का टाइम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो यूज हो, तो इसलिए मैं एक ही वीडियो में आप लोगों के लिए मेगा एपिसोड लेकर आया हूँ कि आप लोगों को एक ही एपिसोड में दोनों वीडियोस के मज़े मिल जाए। तो अगर ऐसी वीडियोस मजीद आप लोगों को चाहिए बीटीएस पे, तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को मेगा एपिसोड चाहिए, और लिंक तो आप लोगों को दें, लिंक तो आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो लिंक तो एज यूजल अपनी जगह ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों को मेगा एपिसोड चाहिए तो लाजमी आप लोगों ने कमेंट करके बताना है कि आप लोगों को मेगा एपिसोड चाहिए या नहीं। अगर मेरे पास ज़्यादा कमेंट रिसीव हुए मेगा एपिसोड के, तो हम मेगा एपिसोड बनाएंगे, और अगर कमेंट रिसीव नहीं हुए बोल सकते हैं कि आप मेगा बनाएं। नहीं, मैं तो देखें, मैं तो आसानी की तरफ जाऊँगा। अगर मैं सिंगल एपिसोड बनाता हूँ तो मुझे उसमें ज़्यादा आसानी है, और मेगा अगर सब्सक्राइबर कहेंगे मेगा एपिसोड का तो मुझे बनानी पड़ेगी फिर, अगर यूट्यूब फैमिली कहेगी तो बनानी पड़ेगी। तो जैसा आप लोग कमेंट में बताएंगे कि आपको मेगा एपिसोड चाहिए तो वो आप बताएं, अगर आपको नहीं चाहिए सिंगल एपिसोड चाहिए तो वो आप बताएं, तो जैसा यूट्यूब फैमिली कहेगी वैसा हम करेंगे आप लोगों के लिए। तो जो लोग जहाँ जहाँ से भी प्यार कर रहे हैं, इंडिया, बांग्लादेश, सऊदी अरबिया, यूके, पाकिस्तान, कराची, यूके, कनाडा, जहाँ जहाँ से भी, मलेशिया, जहाँ जहाँ से देखने वाले जो लोग प्यार कर रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मुंबई से बहुत ज्यादा जो है वो प्यार आ रहा है, दिल्ली से बहुत प्यार है, कानपुर से बहुत प्यार आ रहा है, जुहू से बहुत प्यार है, और जहाँ जहाँ से भी जो लोग मैसेज करके कोट करके बताते हैं कि हम फला जगह से आपके लिए जो बहुत सारी ब्लेसिंग्स है, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग अपने फैमिली के साथ बैठ के हमारे रिएक्शन वीडियो देख रहे हो। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट दिया। तो अगर आपको अगर चैनल पसंद आया, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताएं, और सब्सक्राइब करवाइए चैनल को, एडिटल सब्सक्राइब कीजिए। जो सब्सक्राइबर वीडियो देख रहा है और उसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए, ताकि आपके लिए मजे मजे की वीडियोस लेकर आ सकें। तो मिलेंगे फिर आपसे दोबारा सिंगल वीडियो में या किसी मेगा एपिसोड में। तो दीजिए, जब तक के लिए हमें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।